से बता रही थी, ये है मेरी बड़ी मम्मा ऋषिकेश वाली ब्राइड टू बी। पूरी शॉपिंग अभी चल रही है, कल भी अभी शॉपिंग होनी है ना। ज्यादा दुल्हन की कलेक्शन देखने में हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज जो है मैं जा रही हूँ मम्मा के घर, बिकॉज मम्मा के घर में आई हुई है बड़ी मम्मा। सो बड़ी मम्मा इज लाइक मम्मा की बड़ी बहन ऋषिकेश वाली जो है वो आई हुई है, बिकॉज जो है उनकी डॉटर की अभी जो है मैरिज है, बेबी दीदी की शादी है, तो उसके लिए अभी वो दिल्ली आई हुई है। एंड आपको भी पता है शादी की शॉपिंग तो दिल्ली से करना भैया बिल्कुल बनता है। अभी जो है वो लोग गए हुए हैं आज चांदनी चौक लहंगा वगैरह देखने के लिए। सो मैं बड़ी मम्मी से अभी मिली तो नहीं हूँ, सो मैंने प्लान बनाया कि मैं, शनाया और कंचन हम तीनों चलते हैं डायरेक्ट मिलने बड़ी मम्मा से एंड पूछते हैं भैया कि शॉपिंग कैसी चल रही है, तैयारियां कैसी चल रही है शादी की। सो स्टे ट्यून्ड। सो ये जो है ये है मेरा आज का ओओटीडी। नीचे के फुटवेयर घर वाली मिस करिए, आई एम वेयरिंग दीज ब्लैक ट्राउजर्स विद दिस ब्लू टॉप एंड वेयर पेयरिंग इट अप विद अ बेल्ट, थोड़ा सा कूल सा लुक के लिए। सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ मम्मी के घर। सो मम्मी ने कहा था कि ना खाने के लिए थोड़ा सा पनीर वगैरह बना देना, बस उसी के लिए प्रिपरेशन अभी करते हैं, फिर बनाते हैं बड़ी मम्मी और के लिए मेरे हाथ की पनीर। देखो टकलू को घूम रही है खूब मजे से। शनाया आदि अभी मार्केट गया हुआ है अभी पनीर लेने के लिए, उसके बाद आता है जल्दी ही पनीर की अभी प्रिपरेशन करता है। बेल बज गई है, आई थिंक आती है कंचन में से कोई आया। लेट्स ओपन एंड लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर पनीर। सो खाना बनाने से पहले बन गया है मेरा जूड़ा शिवजी वाला, ये ताकि खाने में कोई बाहर ना आए। अच्छा बेचारी वो प्रैक्टिस वो कर रही है, बेचारी कोशिश करी शनाया को खाना खिलाने की, पर ये खा नहीं रही है। क्या खाने का? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आज की व्लॉग की शुरुआत दीदी के साथ, यहाँ पे दीदी अपना बकवास का खाना बनाती है हमेशा की तरह। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। और ऐसी स्माइल देते जैसे मेरे को सब आता है। आता कुछ नहीं दीदी को बोलेगी। ठीक है। सो बड़ी मम्मी और आ चुके हैं एंड अभी जो है वो लगे हुए हैं पैकिंग में। ये आ गई मेरी मम्मा यहाँ पे पूरे मॉडर्न बनके। सो मम्मी कह रही है कुछ, हाय गाइस, मेरी मम्मी व्लॉग के लिए बाल खोल रही है। बता रही थी ये है मेरी बड़ी मम्मा ऋषिकेश वाली एंड शॉपिंग वॉपिंग करके आ चुकी। बड़ी मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। दिल्ली में शॉपिंग तो मजा आता ही है, पूरा रूम भर चुका है शॉपिंग से। उनको ये लग रहा है कि अब सामान जाएगा कैसे। यहाँ पे ये हमारी ब्राइड टू बी, इनके हस्बैंड भी ये व्लॉग देखेंगे, बोलेंगे मेरी वाइफ आ रही है, यूट्यूब पे है। बड़े पापा हाय गाइस, पूरी शॉपिंग अभी चल रही है, कल भी अभी शॉपिंग होनी है ना। देखो वाह दीदी, ये ट्रेंड में चल रहा है आजकल, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। तो मुझे सेम टू सेम वैसे ही मिला यार। दीदी बहुत सुंदर लग रहा है, मैं सच्ची बताऊँ मेरी शादी के टाइम में चलो मैं भी यही लेती। सच्ची बड़ी मम्मी आजकल बहुत चल रहा है, इसकी पसंद से मैसे होगा ये। नहीं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये ट्रेंड में है एक्चुअल में आजकल यार, बहुत अच्छा। दिखाओ दिखाओ दुल्हन की शॉपिंग है ना, मजा आता है दुल्हन की कलेक्शन देखने में। अभी स्पेस से जा चुके ना तो बड़ा अच्छा लगता है। ये कैसे मम्मी अभी प्लेस मैट पे नजर नहीं जाएगी, अभी ये लोग पहले देखेंगे ब्राइडल पर्सी वाला, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी मम्मी आपने आपने नहीं लिया है? ओहो वही तो, बड़ी मम्मी कह रही ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत अच्छा लग रहा है, सच्ची अच्छा लग रहा है। बड़ी मम्मी आपने तो बड़ा ट्रेंडिंग वाला लिया, लेकिन आपका भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। बड़ी मम्मी किसी जीन्स भी पहन लेगी तो भी अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है। यहाँ प्यारी भाभी मेरी चेक कर रही है पनीर रेडी हुआ या नहीं। आप कौन रह गए थे? कोई नहीं, ये कौन आया? सच में मारती बहुत तेज। मेरी शादी में जुलूस लेके आना, फाइनली अब हम लोग घर आ चुके हैं। रात के 12 बजे हम लोग घर आए थे एंड शनाया को भी मैंने सुला दिया है।
सो इस व्लॉग में इतना ही था एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय बाय. सी यू. टेक केयर.